तो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ में, आरती हो रही है तो दिखावांगे आप ही, बने रहिए मेरे साथ में। बोले भक्तों भगवान की, बोले श्री विश्वकर्मा भगवान की, बोले ऋषि महाराज की, बोले आज के आनंद की, बोले भक्तों भगवान की। ओम तमेव माता मैं आपका भाई सुंदर दोनों दिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज। आज मैं आया हूँ विश्वकर्मा मंदिर में और मेरे गांव के बुजुर्ग लोग खड़े हैं, मेरे युवा साथी खड़े हैं, तो इनसे आज आपकी मुलाकात करवाएंगे। आ जाओ सारे, राम राम जी। राम राम जी। तो जैसा कि आज विश्वकर्मा की जयंती है, इस बारे में आपके क्या विचार हैं? पहले से तो मैं आपको सुंदर न्यूज को अपनी और अपने संगठन की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद जी। ये जी विश्वकर्मा जयंती का प्रोग्राम है और ये काफ़ी सालों से मनाया जा रहा है और ये 2012 में एक दृष्टांक हुआ था जो प्रकट हुआ है यहाँ, न कि एक मूर्ति स्थापित, यहाँ पर प्रकट हुए विश्वकर्मा जी। तो उन्होंने कहा एक हुआ कि हमारा कुछ यहाँ पर स्थान मनाया जाए, तो हम सभी ने एक विचार किया और मिलकर हमने एक छोटा स्वामिनी का प्रोग्राम करे बाबा धुनियाला के मंदिर के सामने जी। तो उसमें गांव वाले ने हमारा पूरा गांव ने एक सहयोग किया, उन्होंने एक जगह दी जो ये जगह आप खड़े हैं, यहाँ पर मंदिर स्थापित विशाल एक भवन तैयार हो गया, ये जगह गांव राम ने सारा ने मिलकर दी जी। तो इसके अंदर हमने भगवान की ऐसी कृपा बनी कि 12 तारीख 12वां महीना और 2012 का ही साल को इस स्थान की नींव रखी गई जो कि आज एक बहुत विशाल भवन बनकर तैयार हो गया। तो यहाँ पर भगवान विश्वकर्मा जी की अपार कृपा रही है पूरे समाज और गांव के ऊपर। जिस मंदिर का निर्माण हुआ है तो गांव के अंदर इतने बच्चे नौकरी भी लगे हैं और भी उन्नति भी हुई है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, किसी किस्म का कोई वो गलतकारी नहीं होगी, जो अच्छा अच्छा होता चलेगा। जितने मिस्त्री 36 जात के हैं उनका तो है ही है, उसके साथ पूरा गाँव और दणोद के साथ में लगते हुए बपोड़ा, कुम्हाड़, बजीणा और देवसर और डाणी बीरण और बीरण, हाँ इन गाँव का एक संगठन है ये। उस संगठन के हिसाब से पूरी सरकार, हरियाणा सरकार ने, चाहे कांग्रेस सरकार हो या बीजेपी सरकार हो, इन्होंने अपना पूरा सहयोग देकर इस धर्मशाला और मंदिर का निर्माण करवाया जो कि एक गांव की एक बहुत ही बड़ी एक संस्था बनी जिसमें तो आने वाला देखता है तो भी गाँव के अंदर कुछ हो रहा है। और ये प्रोग्राम हम आने वाले कुछ ही दिनों के बाद जो बड़ा प्रोग्राम होता था वो फिर दोबारा से करवाएंगे और गांव का और गोहांड का जो बड़ा सहयोग रहेगा उसमें हम उन सहयोग के साथ इस प्रोग्राम को भगवान की इच्छा के अनुसार जल्द ही बड़ा कार्य करवाने के रहेंगे ये। तो आपने कहा कुछ ही समय में, थोड़ा हा जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको तारीख या फिर महीना बता दो। फरवरी के मैं ये प्रोग्राम करवाने के, फरवरी, हाँ जी, ये जो प्रोग्राम आज अधूरा रहेगा इसको पूरा करवाने का भगवान विश्वकर्मा के और बाबा धुनियाले के आशीर्वाद से करवाने के लिए प्रार्थना करते हैं कि ये फरवरी में ही प्रोग्राम बने। धन्यवाद। तो मेरे साथ में है राजवीर प्रधान जी, तो इनसे भी हम दो बात कर लेंगे। सबसे पहले मैं विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य में सभी ग्राम वासियों को नमस्कार। हम आशा करते हैं कि जो आज प्रोग्राम हुआ है आगे भी सब प्रोग्राम करते रहेंगे और गांव से विश्वास रखते हैं और आशा दिलाते हैं इसी प्रकार कार्यक्रम चलता रहेगा। आज जो एक तो कोरोना महामारी के चलते हुए और जो पवन कुमार जो शहीद हुए हैं इसको देखते हुए एक प्रोग्राम बहुत ही सूक्ष्म बना गया है और आगे भविष्य में गांव के सहयोग से, गांव गुमांड के सहयोग से कार्यक्रम होता रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद। मेरे साथ में है राजवीर मास्टर जी, तो इनसे भी हम दो बात करेंगे। नमस्ते मास्टर जी। हाँ नमस्कार। ठीक हो जी? बिल्कुल ठीक।
सबसे पहले तो विश्व के प्रथम रत्नाकार जी श्री विश्वकर्मा जी भगवान की जयंती पर आप सभी को और देखने वाले दर्शकों को मेरी शुभकामनाएं। जिस प्रकार पूरे हिंदुस्तान के अंदर भिवानी को छोटी काशी के रूप में जाना जाता है जी, तो दिनोद गांव भी जो है उसी का एक हिस्सा है। इसमें हर प्रकार के आपको मंदिर मिलेंगे, संस्थाएं हैं, और इस गांव के ये सभी कृपा जो है ना, जो हमारे पूर्वज हैं जैसे विश्वकर्मा भगवान हैं, बाबा धोनी वाले हैं और संत महात्मा हैं, तो ये एक पवित्र धरती है जी। हमारे हिसाब से आज तक हमने कभी नहीं सुना भी इस गांव के ऊपर या और आसपास के क्षेत्र में कभी कोई ऐसी महामारी भी जरूर फैली है, लेकिन कोई कैजुअलिटी वगैरह कुछ नहीं हुआ आज तक। ये सभी इन देवताओं की कृपा है जी। और रही बात आज विश्वकर्मा भगवान की, तो ये तो विश्व के प्रथम गुरु हैं, रचनाकार, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी गांव का हो, किसी भी देश का हो, तो सभी जो है ना ये एक सबका भगवान है, सब सर्वव्यापी हैं ये, और सभी की मंगल कामना करते हैं, सभी का मंगलमय करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों, आप देख रहे थे अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज, मैं सुंदर दिनोदिया कैमरामैन अजय के साथ में। धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।